इसको क्या बोलते हैं? पकौड़ी बोलते हैं सर जी, इसको भजिया बोलते हैं। गरमा गरम मेथी का बनाते हैं हम सर, और आप देते हैं। तो यहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्मा गर्म कढ़ाई के अंदर नहीं, तो मकवाना। अच्छा, गूगल ने हमारे साथ कतई ही धोखा कर दिया। ऐसा नहीं, इसको गुजराती में कैसे बोलेंगे? गूगल ने हमारे जोड़े दगो करो से। तो हमें शू करो, एक बार बोलो हमारे साथ गुजराती माँ। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। यूँ नहीं बोलो, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो विक्स है। आप चाहे काफी अच्छी बना के तारीफ सुनिए, और ऐसे क्या डालते चाहे बस क्या उबलनी पड़ती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जा रहे हैं सांवलिया सेठ के, वहाँ पे सांवलिया सेठ का जो मंदिर है फेमस, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सांवलिया सेठ को लोग रिश्वत देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन या दो नंबर के जो बिजनेस करते हैं। हालांकि लेकिन हम तो ऐसा करते नहीं है, हम करते एक नंबर का बिजनेस, और हम जा रहे हैं सांवलिया सेठ के वहाँ पे। तो मेरे मित्र जो है आज हमारे साथ में है कुणाल भाई, उन्होंने मुझे बताया कि आप भी वहाँ पे थोड़ा मन से बाधा, मतलब बोलते विश्वास रखना, कुछ परसेंटेज मान लेना सांवलिया सेठ के नाम पे, तो देखो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए, अभी हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद से चल के हिम्मतनगर की, और हमारे साथ में कुछ ग्रुप है, बच्चा पार्टीज वगैरह। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन। आर्यन नाम तो सुने होगा, मतलब अभी काफ़ी चर्चा में रहा था बीच में, मुंबई में मुंबई में रहा था चर्चा में काफ़ी आर्यन, तो आर्यन काफ़ी चर्चा में रहा था, वो बात अलग है। बट ये वो वाला आर्यन नहीं है, ये हमारा अहमदाबाद का आर्यन है। पढ़ाई करते हो? हाँ पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आईटीआई करता हूँ। अच्छा आईटीआई, बड़ा क्या ड्रीम है आपका, बड़े होके क्या बनोगे? आज आप सांवलिया सेठ से? ड्रीम नहीं है, मतलब मैंने सोच के नहीं रखा, अभी आगे जाके सोचूं। आप सांवलिया सेठ से क्या, मतलब मेरे को बहुत आगे ले जाए और मेरे को आईटीआई पास करवा दे। बिल्कुल बिल्कुल, एक और मित्र हमारे जो आज हमारे साथ में हिम्मतनगर पहुंच चुके हैं हम। हेलो, तो क्या कहना चाहिए, आप भी सांवली सेठ पहली बार जा रहे हो? उससे पहले कभी गए हो? नहीं नहीं नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ। पहली बार जा रहे हो है ना? क्या है आपके मन की, मतलब? मेरी मन की कामना है कि मेरे ज्ञान में बहुत ही बड़ा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो यहाँ पे कुणाल भाई वगैरह है। कुणाल भाई केम छो? बस मजा में। सु केवो मांगो छो सांवली सेठ विषय? तो फिर आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि उनको कुछ परसेंटेज? ये ऐसे लोग बोला करते हैं, बोला करते हैं ना। हाँ, वहाँ पे गए थे तो सोचा सबका भला, उसके लिए सबका साथ, सबका विकास लेके जाते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो टू बी कंटिन्यू वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हम पहुँचने में थोड़ी देर में पहुँचेंगे, मतलब 2-3 घंटे का और सफ़र है, उसके बाद सांवलिया सेठ पहुँचेंगे। तो मौका मिला तो हम वहाँ पे आपको मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे, और क्या है वहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि सांवलिया सेठ में लोग क्यों आते हैं और क्यों इतना, मतलब भगवान जी को रिश्वत देते हैं। अभी लिया हमने यहाँ पे हिम्मतनगर पे एक चाय का ब्रेक। अंकल जी जो है यहाँ पे चाय बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं। कैसे हो अंकल जी? आप चाय काफ़ी अच्छी बनाते, तारीफ सुनिए, और ऐसे क्या डालते चाय में? बस क्या उबलनी पड़ती है। ऐसा भी सुनने में आया कि एक चाय वाला देश चला रहा है और एक चाय वाला हिम्मतनगर चला रहा है। हाँ, वो मोदी जी है ना, वो मोदी जी है ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और आप भी, क्या नाम है आपका? अच्छा सगनलाल जी, तो आप हिम्मतनगर चलाते चाय बनाते हैं ना? हाँ। दोस्तों आप लोग कभी भी हिम्मतनगर आइएगा तो कन्हैया टी स्टॉल यहाँ पे जो है, यहाँ पे चाय जरूर पीजिएगा। हम भी यहाँ पे चाय पीने वाले हैं, जब भी हम हिम्मतनगर आते हैं तो यहाँ की चाय जरूर पीते हैं। और इधर जो अंकल है ये भजिया बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पकौड़ी बोलते हैं सर जी, इसको भजिया बोलते हैं। गरमा गरम मेथी का बनाते हैं हम सर, बिल्कुल, और हम देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्मा गर्म कढ़ाई के अंदर है और बना के यहाँ पे खिलाया जाता है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्चून होटल के जस्ट बगल में ही है, ये कन्हैया टी स्टॉल एंड भजिया हाउस। तो चलिए अभी हम लोग चाय पीते हैं, आपको भी चाय पीनी है तो आ सकते हैं हमारे साथ। फाइनली अभी हमने यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता पानी कर लिया है और अभी हम वापस गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं सांवलिया सेठ के वहाँ पे, और सांवलिया सेठ को मनाने वाले हैं कि सभी लोग रिश्वत देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। हम वैसे आपको रिश्वत नहीं देंगे, बड़े प्यार से देंगे, लेकिन थोड़ा हमारा भी मान रख लेना। तो चलिए मिलते हैं सीधा सांवलिया सेठ में। सो फाइनली अभी हम लोग उदयपुर सिटी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जा रहे हैं आगे सांवलिया सेठ। तो सांवलिया सेठ के दर्शन करेंगे, सांवलिया सेठ को आज हम भी देने वाले हैं तगड़ी वाली रिश्वत बड़े प्यार से बोले ना। तो चलिए उदयपुर का सीन सीनरी दिखाते हैं आपको, कैसा है यहाँ का सीन्स। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रक चल रहे हैं यहाँ पे। We'll be right back.
देने जा रहे थे तो भगवान को कतई रिश्वत हमारी मंजूर नहीं थी। भगवान भी हमारे को जो हमारे जो डायरेक्शन था गूगल बम्बा का सहारा लिया था हमने, तो गूगल ने हमारे को जो है गलत रास्ता बताया उसकी वजह से हम वापस गुजरात पहुंचने वाले थे। तो ये तो ठीक ऊपर वाले की लाश थी और कर्म अच्छे थे तो हम आगे वापस उदयपुर और यहाँ पे जो हमने था यहाँ का जो शेड्यूल वो हमने तय किया। हमारे साल में है राजू बा गढ़वी क्या नाम है आपका, नाम क्या है उसे? आर्यन गढ़वी। तो बहुत नहीं तो मकवाना, अच्छा आर्यन मकवाना है, मतलब जो भी अच्छा है मतलब तो इनका मकवाने का क्या क्या धोखा कर दिया। गुजराती में कैसे बोलेंगे? गूगल बाबा ने, गूगल ने हमारे साथ कतई धोखा कर दिया। ऐसा नहीं, उसको गुजराती में कैसे बोलेंगे? गूगल ने हमारे जोड़े दगो कर आपने गुजराती में केवल छे ना पहले लोचा हर्षद मेहता वाला लोचा लफड़ा ने जलेबी फाफड़ा। हाँ, लोचा लफड़ा ने जलेबी फाफड़ा। एक बार बोलो मारे साथ गुजराती में, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। एवं बोलो रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, और रिस्क है तो विक्स है।